हेलो एवरीवन, दिस इज धारा सरस्वती फ्रॉम मसूरी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, सीधा वो ऊपर वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है, मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट लगता है। सो आई टुक अ चैलेंज टू रीच दिस प्लेस ऑन फुट। यस, एंड आई एम मिडवे, यू कैन से। अभी मैं आई हूँ कंपनी बाग से पैदल यहाँ तक पहुंची हूँ। ये है हाथी पाव, इस एरिया का नाम है हाथी पाव। और अभी इस समय एक रेस्टोरेंट में रुकी हूँ टू हैव अ क्विक बाइट। और इससे आगे जब हमने पता किया, यहाँ से फिर मैं पैदल आई हूँ, ये कहना भूल गई कि आई हैव कम ऑन फुट, यस ऑल द वे। सो इससे आगे भी अभी 1.5-2 किलोमीटर कह रहे हैं कि होगा, पर लगता है थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। एंड इट इज अ स्टीप ग्रेडियंट एज यू कैन सी। सो बाकी की बात करेंगे वहां पहुंचने पर या कुछ बातें रास्ते में। टिल देन हैव अ व्यू ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट। हेलो एवरीवन, सो अभी हम थे थोड़ी देर पहले हाथी पाव में और हम जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। और हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है पैदल, क्योंकि एक सर्टन पॉइंट तक व्हीकल्स आती हैं और उसके बाद वी हैव टू गो ऑन फुट। हेलो, सो वी आर एट द बेस कैंप ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट। इनफैक्ट वी क्रॉस द बेस कैंप और अब हम यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पे हैं। तो आसपास आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये एरिया है। सो पूरा फेंसिंग हुई हुई है और ये सीधा सामने ऊपर देखिए, दिस इज द पीक वेयर वी हैव टू गो। ये खुशी होती है कि जो हमारी विल पावर है, डिटर्मिनेशन है एंड जो इनर स्ट्रेंथ है वो खुद को भी महसूस होती है, राइट? सो लेट्स मूव अहेड। यस, वी आर एट द पीक ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी। और जैसा कि आपको बताया कि हमें लगभग यहाँ पर 3 घंटे लगे हैं मसूरी मॉल से पहुँचने में। और यहाँ से यू कैन हैव अ 360 डिग्री व्यू, सो इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू ऑल अराउंड। यू कैन सी डीप वैलीज एंड हाई माउंटेन्स ऑल अराउंड एंड दिस इज द प्लेस विच यू कैन सी दिस व्यू एंड रेस्ट आई हैव all around. So this is an achievement for us.